किसानों का कर्ज माफी का झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस का जनता ने बैंड बजा दिया है। इनकी सरकार 6 महीने चल गई, यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक वाक में कहा जाए तो आधा साल हाल बदहाल, यह कहना है प्रदेश के पूर्व संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो सोमवार को कांग्रेस सरकार के 6 माह पूरे होने पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। मैं कल से शोर सुन रहा हूँ, 6 माह हो गए, 6 माह हो गए, 6 माह तक इस सरकार का चल जाना उपलब्धि तो है, पर जनता के लिए 6 माह में छठी का दूध याद कराने वाले दिन है। सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है। मैं कांग्रेस की सरकार को कह रहा हूं, कमलनाथ जी को, कि सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। आपको सोचना चाहिए और अंतर्मुखी होके ये आरोप जो आप लगा रहे हो और अपनी पीठ खुद अपने हाथ से ठोक रहे हो, लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक कसौटी होता है। आपकी सरकार को 6 महीने के अंदर जनता ने लोकसभा में अपना मैंडेट दे दिया है कि आपकी सरकार कैसा काम करे। डॉक्टर मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी को झूठा बताते हुए कहा किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज 6 माह हो गए, क्यों नहीं बदला गया मुख्यमंत्री? मतलब एक बात तो इनने स्वीकार कर ली कि राहुल गांधी जी ने जो 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करूंगा और 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनने झूठ बुलवाया था, 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ। ये तो इनके विज्ञापन से जिसमें कमलनाथ जी की फोटो छपी है, राज्य सरकार के द्वारा जारी विज्ञापन है, जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये इस बात का द्योतक है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की धरा पर झूठ बोला था, न तो मुख्यमंत्री बदला और न ये बदला। डॉक्टर नरोत्तम आज पूरे मूड में थे, अधिकारियों के तबादलों पर तंज कसते हुए बोले, अधिकारी तो छोड़िए, अब तो मंत्रियों को भी नहीं पता कि कितने दिन का मंत्री काल बचा है, इसलिए लूट सके तो लूट में लगे हुए हैं। सही बात तो यह है कि सरकार का अब कोई भविष्य ही नहीं बचा है। किसी कलेक्टर को, किसी SP को, किसी थानेदार को नहीं मालूम कि वो कितने दिन इस थाने में रहेगा। जिसका ट्रांसफर हुआ है वो पहुंच नहीं पा रहा, वो हटा है वो कुछ कर नहीं रहा है, ये जा नहीं पा रहा क्योंकि इसे मालूम नहीं शाम को कोई और ज्यादा लेके पहुंच गया तो कोई दूसरे का ऑर्डर निकल जाएगा। अकेले मंत्री से लेके संतरी तक, मैं कह रहा हूं ये स्थिति अकेले प्रशासन की नहीं है, ये स्थिति मंत्रियों की भी ऐसी ही है, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कब तक रहना है। ये पहली सरकार है यहां कोटा से प्रथा मंत्रियों में लागू है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कमलनाथ जी की चिट्ठी ने कहा है कि दो दो कोटे से अपने अपने मंत्री तय कर लो, इनकी चिट्ठी ने बताया कि हमारे यहां कोटा सिस्टम लागू है, गुटबाजी है और कोटा सिस्टम के हिसाब से मंत्री है, ना तो मंत्रियों को मालूम कब तक रहना है, न संतरी तक अधिकारियों को मालूम है, न इंस्पेक्टर को, कलेक्टर को, डायरेक्टर को मालूम है कि वो कब तक रहेगा, न इस सरकार का कोई भविष्य है कि कौन कब तक रहेगा। इसलिए सारे लोग पूरे प्रदेश को लूटने में लगे हुए, अधिकारी भी और नेता भी, सारे के सारे लोग प्रदेश के अंदर, मेरा पेट हाऊ तो मैं ना गिनो काऊ, ऐसी अराजकता प्रशासनिक इस प्रदेश के अंदर मित्रों हमने कभी नहीं देखी जैसी अराजकता इन 6 महीनों के अंदर। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने PR को छोड़ नहीं सकते।